बिल्ली ने पूरे मुर्गे को खा रखा है और यहाँ पे सिर्फ इनके क्या कहते हैं इनके खाली खाले है। हेलो दोस्तों, आज सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल तेजू कुशाई ब्लॉग में। आज सभी स्वस्थ और मस्त होंगे तो मैं भी स्वस्थ हूँ। तो मेरी वीडियो की शुरुआत सुबह के 10 बजे से हो रही है। तो मैंने अभी यहाँ पे मुर्गे को बाहर निकाल रखा है और ये यहाँ पे चर रही है और आप तालाब में देख सकते हैं। यहाँ पे तो मेरे बाप बदके है, वो तालाब में तैर रही है अभी। तो अभी आपको इनकी वीडियो दिखाता हूँ मैं और वीडियो बनाता हूँ अच्छी तरह से। तो दोस्तों, मैंने मुर्गे को अंदर डाल दिया है और मैं आपको एक खबर सुनाना चाहता हूँ, बहुत ही बुरी खबर है। वैसे मुझे सुबह पता चल गया था पर मैं पहले आपको बताने नहीं चाहता था, फिर मैंने सोचा आप ही मेरे फैमिली मेंबर हो तो आपको भी बताना जरूरी है, क्योंकि मैं आपको हर अपडेट देता रहता अपने बारे में और अपने मुर्गों के बारे में। तो आज मैंने यहाँ पे मतलब 5-6 मुर्गी यहाँ डाल रखी थी इस वाले कमरे में कल रात को, और बिल्ली ने उनको खा दिया। बिल्ली ने खाया होगा या पता नहीं किसने खाया, और बैल भी नहीं थे कल हमारे यहाँ, क्योंकि हमने कल हल लगाया था तो हमारे बैल गाँव वाले गौशाले में थे, तो पता नहीं किस चीज़ ने खाया उन्हें। और अभी आपको बताता हूँ, मैंने साफ भी नहीं कर रखा यहाँ और मैंने सोचा आपको भी दिखा देता वीडियो में कि बिल्ली ने क्या हाल करते है। बिल्ली होगा एक दूसरा भी होता है, मुझे इसका नाम पता नहीं है, वैसे उसे हम चित्रयाल कहते हैं, तो वो भी कर सकता है, बिल्ली भी कर सकता है। तो अभी बताता हूँ कि कौन से रास्ते आया है अंदर। तो इस वाले गौशाले के अंदर डाल के थे हमने, और वैसे यहाँ पे दरवाजे पर जो ये है जो आपको यहाँ पे छेद देके दे रहे, तो ये हवा जाने के लिए बनाए रहते थे पुराने ज़माने में, और यहाँ पे बंद भी कर रखा था। जो आपको ये पत्तियाँ दिखे दे रहे इससे पूरा बंद कर रखा था, और मुझे क्या पता कि यहाँ से बिल्ली अंदर चली जाएगी। और मैंने 5-6 मुर्गों को दर डाल रखा था क्योंकि ये थोड़े से कमज़ोर थे, और मैंने सोचा था कि इनको यहाँ वाला खाना पीना खिलाऊँगा और फिर ये अच्छे हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मुर्गी ने मतलब बिल्ली ने पूरे मुर्गों को खा रखा है, और यहाँ पर सिर्फ इनके क्या कहते हैं इनके खाली खाले रह चुके, और जो अंदर का रहता है ये रह गया यहाँ पे, और 2 मुर्गी यहाँ पे मर रखे हैं, और बाकी पता नहीं 2-3 ले भी गए शायद, और यहाँ से आए थे अंदर है जो आपके रास्ते दिखाई दे रहा है। तो अभी मैं इसको साफ करता हूँ और देख सकते हैं ये सिर्फ अंधेड़े ही रखे हैं यहाँ पे, और बाकी ये खाल पूरे ऐसे फैला रखा है और बाकी सब कुछ खा गए। तो मैं ये डब्बा लेके आ गया और इस डब्बे में रखता हूँ उनको, फिर इधर गदेर में फेंक के आता हूँ। और ये टंगड़ी भी है बस यहाँ पे, बाकी तो पता नहीं खा दिया उन्होंने। इसको मैं कालू को दे दूंगा खाने के लिए, और बाकी भूखड़ों को मैं इधर फेंक के आता हूँ। तो दोस्तों, मैंने ये सब कुछ इस डब्बे में रख दिया, तो इसको दूर फेंक के आता हूँ मैं गदेरे में, और यहाँ आसपास तो बिल्कुल भी नहीं फेंकूँगा क्योंकि इसकी बदबू सूंघ के और भी आ सकते हैं यहाँ पे बिल्ली। और कमरे तो अच्छे हैं यहाँ, मतलब सवाल ही ना है कि कुछ भी चीज़ अंदर चली जाए। तो अभी मैं उसको दूर फेंक के आता हूँ, और आज के बाद मैं इस कमरे में कभी मुर्गी नहीं रखूँगा। और ये तो मैंने गलती से रख दिए थे क्योंकि ये कमज़ोर हो रखे थे, तो मैंने सोचा इनको यहाँ वाला खिला पिला के ये तंदुरुस्त बन जाएंगे। मुझे क्या पता कि इनकी मौलिकी है इस कमरे में। और जो आपको ये पेड़ देखे दे रहा है, तो ये चुवारों का पेड़ है और इस पर पूरा पेड़ फूलों से लदा हुआ है, तो इस पर चुवारो बहुत जल्द आ जाते हैं। और देखो अभी तो मार्च का महीना है और मई में इस पर पक के तैयार भी हो जाते हैं चुवारो, मई के लास्ट तक। देखिए यहाँ पे मधुमक्खियाँ इस पर से सह लेके जा रही है, और पूरे फूलों में मधुमक्खियाँ बैठी हुई है यहाँ पर, और मधुमक्खियों की आवाज़ भी आ रही है, और एक मधुमक्खी यहाँ से लेके जा रही है शहद, और एक यहाँ पर बैठी हुई है, और इधर इस साइड के लिए तो बहुत सारे मधुमक्खियाँ तो यहाँ से शहद लेके जा रही है। तो यहाँ पे कालू है, तो कालू को मैं मुर्गी को टांग देता हूँ जो कि बिल्ली ने निकाल खाया था। ले कालू, ये वाला तो कहाँ ले पकड़। और काले खुश हो क्या कि मुझे मुर्गी की टंगड़ी मिल गई। तो शाम के 4 बज चुके हैं, तो मैं खेतों की तरफ आ रखा हूँ,
और यहाँ से पत्थर लेके जाऊंगा मैं अपने गौशाले में, और हमारे गौशाले का रास्ता बनना है। तो यहाँ पत्थरों की कमी हो रखी है, और जो आपके पीछे पत्थर दिखाई दे रहे बड़े बड़े, तो इसी को लेके जाऊंगा मैं। और यहाँ पे ब्लैकी और काली पे आ रखे, और ब्लैकी का सर कुत्ते ने काट रखा है, मतलब 1 हफ्ते पहले काट दिया था, और असर आप दिख रहा है इस पर, और बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका है। इसमें मैंने दवाई भी लगाई थी, फिर भी कुछ असर नहीं हुआ, और बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका है। तो इस पर आप अच्छी तरह से दवाई डालनी पड़ेगी इसके अंदर। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्लैकी के साथ में बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका है, और इधर दिखा कैसा छेद हो रहा है कैसे सर पे। तो यहाँ पे मैं पत्थर लेके आ चुका, और ये पत्थर बहुत भारी हो रहा है, तो फटाफट लेके चलता हूँ उसको। और यहाँ से तो अच्छा रास्ता है, पर नीचे से बहुत सारी सीढ़ियाँ नीचे जाने के लिए, तो यहाँ से परेशानी होगी जाने में भी, क्योंकि मुझे आदत है पत्थर ले जाने की। बाकी तो घास घूस और लकड़ी को तो लेके चले जाऊँगा मैं, पर पत्थर बहुत भारी होते हैं, और मतलब आदत भी ना होती उनको ले जाने की। तो दोस्तों, मैं पत्थर को रख के घर में आ चुका हूँ, तो मैं अपनी वीडियो का यहाँ पे एंड करता हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो इसी के साथ मिलता है मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।